हेलो एंड वेलकम टू स्टडी सपोर्ट हम ज्योग्राफी ऑफ जे के के अंदर पढ़ रहे हैं क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और आज हम इसका पार्ट फोर डिस्कस करेंगे देखिए पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज क्लाइमेट एंड वेदर और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ जे एंड के उसके बाद मैंने आपको बताया था जो क्लाइमेट ऑफ जे एंड के हैं उसको हम क्लाइमेट ऑफ जम्मू क्लाइमेट ऑफ कश्मीर एंड क्लाइमेट ऑफ लद्दाख पढ़ सकते हैं और क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड क्लाइमेट ऑफ लद्दाख पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड में और जिसकी लिंक्स मैंने नीचे रखी है डिस्क्रिप्शन में उसके बाद आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ लद्दाख यानी पार्ट फोर में आज हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट ऑफ लद्दाख ओके देखिए ये लद्दाख रीजन है और यहां से है कश्मीर वैली उसके बाद दिस इज द पोर्शन दिस इज लद्दाख ओके सो यहां पे गिल्गिस्तान और बाल्तिस्तान और ये है लद्दाख वाला पोर्शन ओके सो पहले हम थोड़ा सा लद्दाख को समझ लेते हैं और लद्दाख की जो टोपोग्राफी है उसको समझ लेते हैं ऑलरेडी मैंने जो फिजिकल फीचर्स ऑफ लद्दाख है वो मैंने डिस्कस किए हैं एक वीडियो में उस जो फिजिकल फीचर्स है पहले आप वो पढ़ लीजिएगा लद्दाख के बारे में उसके बाद आप क्लाइमेट पे आ जाइएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर क्लाइमेट ऑफ लद्दाख क्योंकि फिजिकल फीचर्स ऑफ एनी रीजन वो इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन ओके सो लद्दाख जो है दैट इज इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ओके ये नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट है एंड इट इज एरिड टेबल लैंड यानी ये एरीड है ड्राई एंड इट इज अ टेबल लैंड टेबल लैंड इज ए प्लेटू लद्दाख जो है ये असल में एक प्लेटू है एंड इट इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया विथ एन एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टू फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मीटर्स ओके देन ग्रेटर हिमालयन रेंज एक्सपोज इज द प्लेस टू एक्सट्रीम विंटर्स देखिये जो ग्रेटर हिमालयन रेंज है ओके लद्दाख के नीचे साइड इस वाले पोर्शन में जो जे एंड के का जम्मू एंड कश्मीर वाला डिविजन है यहां पर आता है हिमालयन रेंज ऑफ इंडिया ओके सो यहां पर जो हिमालयन रेंज है उसको क्रॉस करने के बाद आता है हमें लद्दाख और लद्दाख जो है दैट इज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ दिस हिमालयन रीजन रेन शेडो एरिया क्या होता है दैट यू कैन गूगल ओके सो इसकी वजह से द ऑल्टीट्यूड जो इसका हाई ऑल्टीट्यूड है इट इज दाइएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया और जो ये रेन शेडो एरिया ऑफ हिमालयन रेंज के आता है उसकी वजह से जो यहाँ पे क्लाइमेट है दैट एक्सपीरियंसिस दैट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम विंटर्स ओके सो यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है ओके द मिनिमम टेम्परेचर और अराउंड माइनस ट्वेंटी डिग्री सेंटिग्रेड टू माइनस फोर्टी डिग्री सेंटिग्रेड इन द मंथ दिसंबर टू फेबरवरी समटाइम्स द टेम्परेचर इज एक्सपीरसड बिलो माइनस फोर्टी डिग्री एट द प्लेस ऑफ पीक हाइट्स और अगर हम ओवरऑल यहाँ देखें जैसे ओवरऑल अगर हम देखेंगे यहाँ का क्लाइमेट दैट इज वेरी कोल्ड और यहाँ पे ड्राई रहता है मौसम सो लद्दाख की अगर हम ओवरऑल बात करें इट इज ए कोल्ड डेजर्ट अब हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे क्यों क्यों ये कोल्ड डेजर्ट है और कैसे यहाँ पे क्लाइमेटिक फीचर्स हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन हैं। ओके देखिए जो क्लाइमेट ऑफ लद्दाख डिवीजन है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं जो दो सीजन हैं यहाँ पे एक है विंटर सीजन और दूसरा है समर सीजन यानी जो लद्दाख डिवीजन है दैट एक्सपीरियंसड ओनली टू सीजन वन इज विंटर सीजन सेकंड इज समर सीजन ओके जो विंटर सीजन है दैट इज फ्रॉम मिड सितंबर टू अप्रैल और जो समर सीजन है देन दैट इज फ्रॉम मे टू मिड सितंबर, ओके अब विंटर सीजन जो है दैट इज कोल्ड ड्रायरी एंड डिप्रेसिंग एंड जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ इन द लद्दाख ये आप याद रख लीजिएगा जो जनवरी मंथ हैं दैट इज द कोल्डेस्ट मंथ इन लद्दाख द मीन टेम्परेचर ऑफ लेह इज बिलो जीरो डिग्री सेल्सियस फॉर दिसंबर जनवरी एंड फेबरवरी ज्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल एंड अक्टूबर एंड नवम्बर द टेम्परेचर रिमेनज बिलो टेन डिग्री centigrade the lowest official surface temperature of minus 40 degree was recorded at dras in 1986 the official recorded temperature minus, uh, 40 degree that is recorded in the dras this is the lowest temperature recorded at any place in india so dras is the coldest place in india okay and it is the second कोल्डेस्ट प्लेस इन वर्ल्ड साइबेरिया में एक जगह है दैट इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड उसके बाद जो सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है दैट इज द्रास जहां पे माइनस फोर्टी डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है इन द विंटर्स ऑफ 1986 एंड इट इज ऑफिशियल रिकॉर्ड ओके देन समर सीजन द समर सीजन स्टार्ट फ्रॉम मे टू मिड सेप्टेम्बर जैसे मैंने आपको पहले ही बोला टेम्परेचर जो है वो स्टार्ट होता है इंक्रीज़ होना इन द मंथ ऑफ अप्रैल और ये पहुँचता है 13 डिग्री सेंटीग्रेड इन डे टाइम लेकिन जो नाइट का टेम्परेचर है वो अभी भी रहता है माइनस फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड में उसके बाद जो मंथ ऑफ मे होता है यहाँ पे जो मीन मैक्सिमम टेम्परेचर और मीन मिनिमम टेम्परेचर होता है वो होता है सेवनटीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड जीरो डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो मीन मिनिमम मीन मैक्सिमम टेम्परेचर है दैट रीचे टू सेवनटीन डिग्री सेंटीग्रेड। और जो मीन मिनिमम टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे ओके उसके बाद बिटवीन जून एंड अगस्त द मीन डे टेम्परेचर इज बिटवीन ट्वेंटी टू डिग्री सेंटिग्रेड एंड ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटिग्रेड बट द मीन मिनिमम टेम्परेचर रिमेन्स बिलो 8 डिग्री सेंटीग्रेड यानी अब जून जुलाई और अगस्त में भी डे टेम्परेचर और इंक्रीज होता है और टेम्परेचर पहुंचता है 22 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान लेकिन जो रात का टेम्परेचर है वो अभी भी बिलो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है ओके सो इसका मतलब ये है जो नाइट्स हैं दे आर कोल्ड थ्रू आउट द ईयर ये आप याद रख लीजिएगा जो लद्दाख में नाइट्स हैं दे आर नॉट कूल बट कोल्ड थ्रू आउट द ईयर ओके एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो लद्दाख का है दैट इज ओवर 16 डिग्री सेंटीग्रेड ओके ऑल्सो देर रिमेन इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन सन एंड शेड टेम्परेचर्स देखिए ये क्या होता है ये मैं आपको बोलता हूं जो सन और शेड टेम्परेचर्स हैं लद्दाख रीजन में उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है ये बोला जाता है अगर कोई भी बंदा लद्दाख में अपना बॉडी का आधा पार्ट सन के अंडर रखे और आधा पार्ट शेड के अंडर रखे तो जो सन के अंडर पार्ट है उसके बॉडी का वहाँ पे सन बर्नस हो जाएंगे इतनी ज्यादा वहाँ पे स्कॉर्चिंग हीट होती है क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर जो है दैट इज क्लियर दैट इज अनपोल्यूटेड सो बहुत ज्यादा वहां पे हीट होगी और इसको जो ये जो पार्ट बॉडी सन के अंडर होगा वहां पे उसको सन बर्नस होगी और जो पार्ट टेम्परेचर जो पार्ट इस शेडो के अंडर होगा वहाँ पे नमोनिया होगा सो देर इज रियली अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन सन एंड शेड टेम्परेचर इन लद्दाख डिविजन ओके उसके बाद जो लद्दाख डिविजन है यहां की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है दैट रिमेन इज लो थ्रू आउट द ईयर ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ लद्दाख है दैट रिमेन इज थ्र लो थ्रू आउट द ईयर इन द ड्राइस्ट मंथ दैट इज जून द मीन रिलेटिव ह्यूमिडिटी रीड्स अराउंड थर्टी परसेंट ओके एंड इन द डपेस्ट मंथ दैट इज जून जनवरी एंड फेबरवरी इट इज ओवर 60 परसेंट ओके सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिमेन इज लो थ्रू आउट द Year. उसके बाद और एक पॉइंट है दैट इज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ये प्रेसिपिटेशन के बारे में है द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड स्नो और ऑल्सो लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी लो है और यहां पे जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल है वो भी लो है और एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है दैट इज ओनली थ्री पॉइंट फिफ्टीन सेंटीमीटर ओके सो ये बहुत कम हो गया ओके okay? रेन इज मोस्ट फ्रीक्वेंट इन जुलाई एंड अगस्त जुलाई और अगस्त में ज्यादा रेन होती है और जो जुलाई में रेन होती हैं दैट इज फिफ्टी एम और जो अगस्त में रेन रेनफॉल हो, होती है दैट इज रिकॉर्डेड एज सिक्सटी एम एम ओके अक्टूबर टू दिसंबर यानी अक्टूबर नवंबर एंड दसंबर आर द ड्राइस्ट मंथ्स वाइल वन और टू शावर्स आर रिकॉर्डेड इन जनवरी एंड फेबरवरी सो इसका मतलब ये है कि जो रेनफॉल होती है जो प्रेसिपिटेशन होती है यहाँ पे वो बहुत ही कम होती है तो यहाँ का जो एग्रीकल्चर है दैट इज ऑलमोस्ट डिपेंडेंट ऑन इरिगेशन ओके वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट नहीं है बल्कि वो इरिगेशन पे डिपेंडेंट है सो so, अगर हम अब जनरल में बात करें द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख इज कोल्ड एरिड एंड ड्राई रिजेंबलिंग टू दैट ऑफ कोल्ड डेजर्ट सो इसीलिए मैंने बोला था जो क्लाइमेट ऑफ लद्दाख है ये क्लाइमेट दैट इज ए कोल्ड डेजर्ट ओके सो लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज इन कोपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट कोपन एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट है जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट होते हैं जो एटमोसफेयरिक क्लाइमेट के बारे में जो साइंटिस्ट होते हैं एटमोस्फेयरिक क्लाइमेट्स के उनको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजिस्ट कोपन भी एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं ये क्लाइमेट के बारे में पढ़ता था Uh, इसने अपनी स्कीम्स दी हैं ओके ही वॉज ए साइंटिस्ट ऑफ क्लाइमेट सो इसने बोला है जो लद्दाख डिवीजन है ही हैज शोन इट एज डी डब्ल्यू डी ये आप एक बार लिख लीजिएगा डी कैपिटल डी स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डी ओके जब हायर क्लासेस में पढ़ाई जाते हैं वहाँ पे फिर ये क्लासिफिकेशन जब पढ़ती हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि किस साइंटिस्ट ने क्या क्या क्लासिफिकेशन दिए हैं क्या क्या रीजनज पे ओके okay? सो so, अभी आप मेरे ख्याल से आपकी उतनी लेवल नहीं है कि आप ये कोपन की क्लासिफिकेशन समझ सकते हैं लेकिन आप फिलहाल इतना याद रख लीजिए जो कोपन ने क्लासिफिकेशन दिए हैं लद्दाख की दैट इज शोन बाय डी कैपिटल डी स्मॉल डी एंड समॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डी ओके उसका मतलब होता है एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स जो हमने देखे एंड शॉर्ट कूल समर्स ओके सो कौपन ने दिखाया है जो क्लाइमेट रीजन है क्लाइमेट डिविजन ऑफ लद्दाख है दैट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स एंड शार्ट कूल समर्स और उसने ये शो किया है विथ डी डब्ल्यू डी कैपिटल डी विथ स्मॉल डब्ल्यू एंड